ओके, अब हम जो है ना हीम का हमने पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास ग्लोबन चेन का जो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, ग्लोबन इज लेस डिक्रीज्ड, ठीक है, तो इसको हम थैलीसीमिया कहते हैं। आप सबने नाम सुना हुआ थैलीसीमिया का। ये मुश्किल भी है रिलेटिवली सबसे, और जो है ना इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन जो है ना हम इतनी डिटेल में, मैं अब ऑब्वियसली अब इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा इस चीज़ के, ठीक है ना। तो क्या ये एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होगी और माइक्रोसिटिक एनीमिया आपकी बॉडी में हो जाएगा। म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, कैरियर आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फैल्सिपरम मलेरिया। ये मलेरिया का आपने सुनी होगा कि क्योंकि इनका आरबीसीज जो स्मॉल होते हैं, उनका उनके जो ना लाइफ स्पैन कम होता है, ठीक है, जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो मलेरिया को पूरा साइकिल कंप्लीट करने में काफ़ी दिन लग जाते हैं, ठीक है, उन दिन से पहले ही वो, अगर वो जिस आरबीसी को उन्होंने इन्फेक्ट किया होता है वो आरबीसी पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो वो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मलेरिया जो है ना वो सही रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसलिए दिस कैरियर आर प्रोटेक्टिंग इसमें, ठीक है। डिवाइडेड इंटू एल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अब क्या होती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, जो ग्लोबिन चेन्स की मैंने बात की थी, ठीक है, ये पेप्टाइड चेन्स होती है, प्रोटीन्स की चेन्स हैं, ठीक है, ये है एक अल्फा एंड बीटा चेन, ठीक है, याद रखें अल्फा एंड बीटा चेन्स, ठीक है, अडल्ट में यही होती हैं। तो फीट एच हीमोग्लोबिन फीटस है एफ जिसे कहते हैं, ठीक है, इसमें बीटा नहीं होती, इसमें गैमा होती है, ठीक है, ए टू बी टू, दो अल्फा चेन्स हैं एंड दो गैमा चेन्स हैं फीटस के अंदर, जबकि अडल्ट जो होती है हीमोग्लोबिन उसमें दो अल्फा एंड दो बीटा। अगर अल्फा में प्रॉब्लम है तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा में प्रॉब्लम है तो बीटा थैलेसीमिया, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, ये एच बी ए टू होता है, ठीक है, तो जब ये एच बी ए कम होता है तो फिर एच बी ए टू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इसमें फिर वो बीटा के बजाय डेल्टा चेंज आ जाती है, लेकिन ये आपने इतना नहीं करना है डिटेल में, सिर्फ सिर्फ मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी, ठीक है, इन दोनों की अल्फा चेन की प्रोडक्शन, बीटा चेन की प्रोडक्शन कम हो जाए उसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। अच्छा, अब उससे पहले ये टेबल कर लेते हैं, दरमियान में आ गया है, ठीक है, ये बल्कि हमने जो है ना ये वही आपने जो पहले पढ़ा था, ठीक है, इसमें एनीमिया डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन डेफ सॉरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, आयरन विल बी लो एंड फेरेटिन विल बी लो, ठीक है, एनीमिया क्रोनिक डिजीज, आयरन विल बी लो, फेरेटिन विल बी हाय, ठीक है, फेरेटिन सारा आयरन जो है वो सारा सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो गया हुआ है, ठीक है, सिडोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन भी हाई और फेरेटिन भी हाई, ठीक है, इसमें भी आयरन बहुत ज्यादा होगा, वही तो उसके अकोमोलेशन हो गया, वो सिडोब्लास्ट की वो छेद बनाती थी, ठीक है, दोनों हाई होंगे इसमें, बाकी इसको फिलहाल छोड़े। अच्छा, अब अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है, ये मैं तो नहीं समझता आपको, ये मैं अभी जो है ना ये सारी डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये खुद से अगर कर सकते हैं तो कर लेना, ठीक है, कौन सा इन क्रोमोसोम में समझाने वाली चीज़ मेरे ख्याल में बेसिकली इसमें नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें समझा रहा हूँ जो डिफिकल्ट है वैसे अंडरस्टैंड के लिए। ये तो चलो डिटेल वाली चीज़ें हैं, क्रोमोसोम 16 पे होता है, ठीक है, टोटल 4 अल्फा जीन्स होती हैं, ठीक है, तो इनके जीन्स की डिलीशन जितनी, अगर एक होगी तो माइल्ड डिजीज होगी, टू डिलीशन होगी तो और सीवियर डिजीज होगी, ठीक है, इस तरह से वन वन जीन डिलीशन है एसिम्प्टोमेटिक है, टू जीन डिलीटेड है माइल्ड एनीमिया, ठीक है, थ्री जीन्स डिलीटेड है तो सीवियर एनीमिया, फोर जीन्स डिलीटेड है तो लीथल इन यूट्रो, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही जो है ना बेबी की डेथ हो सकती है, ठीक है, इसको हाइड्रोफ्टेरस कहते हैं। हाइड्रोफ्टेरस का मतलब फिटस जो है ना उसका वाटर बन गया, हाइड्रोफ, ठीक है, पूरा वाटर ही ऐसे करके वो अंदर से हमें वो मिलेगा, ये वही है, ठीक है ना, बाकी अगर डिटेल आपने करनी है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम बीटा थैलेसीमिया पे, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा थैलेसीमिया से, लेकिन ऑब्वियसली दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई थिंक इसका क्रोमोसोम 11 है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम 11 है। अब ये बीटा जो है ना ये सिर्फ टू जीन्स है, अल्फा फोर जीन्स थे, बीटा टू जीन्स है, ठीक है, इसकी उसी तरह म्यूटेशन होगी, ठीक है, म्यूटेशन अगर एबसेंट जीन एबसेंट है, ठीक है, बी उसको बी नॉट कह देते हैं, ठीक है, और वो है तो उसको बी पॉजिटिव प्लस कह देते हैं, ठीक है ना, तो बीटा थैलेसीमिया माइनर है, ठीक है, उसमें फुल डिलीशन ही होती है, माइल्ड डिलीशन होती है, ठीक है, माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिजीज है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आरबीसीज होंगे और टारगेट सेल्स अनसीन, ठीक है, बाकी इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ इसमें देखिए इसका जो डायग्नोसिस है ना, डेट डेट इज उसमें फिर हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, अब ये चीज इसमें समझने वाली है, ठीक है, इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास एक पूरा वो मीडियम होता है, उसके अंदर से हम प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, एक वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दो एंड होते हैं, ठीक है,
चार्जिंग होता है, उसके ऊपर जितना चार्ज होता है किसी प्रोटीन के ऊपर उसी के लिहाज से वो मूव करता है उस एगर के ऊपर, उस मीडियम के ऊपर, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, प्रोटीन्स की डिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें फिर हमें डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट जो है ना ट्रैवल करने के बाद रुक जाती है, ठीक है। इसमें फिर हमें मिलेंगी इंक्रीज HbA1 A2 सॉरी HbA2 ज्यादा मिलेगी और HbA जो है वो कम मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि HbA जो है वो आपको बता रहा कि अल्फा एंड बीटा था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि बीटा नहीं बन रही तो उसमें फिर HbA2 आ रही है, ठीक है। वो मैंने बताया था कि उसमें फिर बीटा की बजाय डेल्टा आ जाती है, ठीक है, तो उसको A2 हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप ये ना कहकर सर ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है ना। तो HbA जो है ये आपकी नॉर्मल जो नॉर्मल ह्यूमंस में होती है वो है हीमोग्लोबिन ए, ठीक है। दिस इज α2 एंड β2, टू अल्फा चेंज एंड टू बीटा चेंज, ठीक है। ये नॉर्मल आपकी हीमोग्लोबिन है, ये हो जाएगी डिक्रीज्ड। तो इसकी बजाय क्या चीज होगी, एक तो इंक्रीज क्या आपको मिलेगी HbA2, ठीक है। ये इसी की फॉर्म है डिफरेंट, इसमें बीटा चेंज की बजाय डेल्टा चेंज आ जाती है, तो ये नॉर्मल फंक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। बीटा चेंज नहीं बन रही तो उसकी जगह पे डेल्टा चेंज बन के अल्फा टू के साथ मिलके अल्फा टू डेल्टा टू जो है ना HbA2 बना देती है, ठीक है। ये आपको रेज्ड मिलेगी, नॉर्मली बॉडी में नहीं होती ये, मोस्ट मोस्टली यही होती है ए जो है, ठीक है। इसके अलावा आपको HbF फीटल वाली भी मिलेगी, इसमें क्या थी भला, इसमें अल्फा टू एंड गैमा टू था, ठीक है। तो ये भी आपको बॉडी में इंक्रीज मिलेगी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। ये आप देखिए इसमें जो थैलेसीमिया का टेस्ट है, अगर आपने माइक्रोसिटिक एनीमिया के साथ आपका पेशेंट आया है, ठीक है, तो उसमें फिर आपने बाकी से टेस्ट किए आयरन फेरिटिन वगैरह सब कुछ नॉर्मल आ गया, तो आपके माइंड में फिर आना चाहिए थैलेसीमिया तो नहीं है इसको, ठीक है। थैलेसीमिया की हिस्ट्री पहले तो ये भी होती है कि वो कजन मैरिज की देखनी है, उसके पेरेंट्स की कजन मैरिज तो नहीं है, क्योंकि फैमिली फैमिली में आता है ना, जेनेटिकल डिजीज है ये, ठीक है। तो अगर उसमें देखना फैमिली में किसी को तो नहीं है पहले थैलेसीमिया, ये सारी चीजें पूछनी होती हैं, उसके बाद फिर उसका जो है ना ये टेस्ट करना होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बाकी बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है इसमें दोनों जीन्स जो है ना दोनों लील्स नहीं होती, ठीक है। बीटा नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, जो उसके दोनों जीन्स है ना दोनों लील्स, क्या था, ठीक है। ये आपको बता देंगे इसकी हाँ टू जीन्स है ना, ठीक है, मोस्टली टू बीटा जीन्स होती हैं, उसमें बीटा जो मेजर है इसमें दोनों जीन्स जो ना वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और ये काफी सिवियर होता है, मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ डिजीज एंड प्रेजेंट विद सिवियर एनीमिया अ फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। तो इसमें HbA बिल्कुल ही कम होगी और HbF होगी, वही फिटल की जो होगी वही फिटल बर्थ के बाद भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना, अल्फा टू गैमा टू। तो हाँ अब इसमें जो ना ये चीज आ जाती है कि देखिए जो अल्फा चेन्स है आपको बता रहे कि टू अल्फा चेन्स है टू बीटा चेन्स है, जो अल्फा चेन्स है उनके साथ बीटा चेन्स नहीं अटैच्ड क्योंकि बीटा चेन बनी नहीं रही, तो जो फिर अनपेड अल्फा चेन्स है वो प्रेसिपिटेट कर देंगे, ठीक है। वो आरबीसी के अंदर पूरी स्ट्रक्चर से ही नहीं बना सकेंगे, प्रेसिपिटेट कर देंगे एंड डैमेज आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से क्या होगा, इन इफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, एक तो आरबीसी सही नहीं बनेंगे और एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालिसिस होगा, रिमूवल ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज बाय स्प्लीन, ठीक है। ये वही वही प्रोसेस है सेम जो मैंने आपको हिमालिसिस का प्रोसेस बताया था ना, इम्यूनिटी के में जो कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में आ रहे थे, ठीक है ना, ये वही एग्जैक्ट है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, ये जिसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमालिसिस स्प्लीन जो है ना वो रिमूव कर लेती है उन आरबीसीज को, स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो इसमें भी यही वही सेम प्रोसेस होगा, इस वजह से इसका एक तो सही बन भी नहीं रहा और ऊपर से फर्दर जो है ना उसके आरबीसी जो बन भी रहे हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये बहुत सिवियर फॉर्म है, ठीक है ना। जो बेटर थे बीटा थे माइनर था, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत बीटा चेंज बन रही थी, उसमें इतनी सिवियर फॉर्म नहीं थी, ठीक है। अब यही है, ठीक है, इसमें अब इसमें क्योंकि नॉर्मली जो होगा इसका विकास बहुत सिवियर डेफिशिएंसी आरबीसीज की, तो बॉडी में हर जगह पे जितने भी बोन्स हैं, ठीक है, सारी बोन्स जो हैं वो आरबीसीज बनाना शुरू कर देंगी, ठीक है, क्योंकि वो अब नॉर्मल बनाएंगे लेकिन वो बनाना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो मैसिव एरिथ्राइड हाइपरप्लेजिया हो जाएगा आरबीसीज का, बहुत ज्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाएगा पूरी बॉडी में, रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन ऑफ हेमाटोपोसिस इनटू स्कल। स्कल की बोन्स है वो भी जो है ना सारी उसके उनके अंदर जो बोन मैरो उधर भी आरबीसीज बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा उसकी जो है ना फॉर्म
इसको छोड़े हैं, ठीक है, ये ऐसे करके इसकी शक्ल बन जाती है, क्रू कट अपीयरेंस कहते हैं इसके एक्सरे पे। एंड फेशियल बोन्स, ऐसे करके ना उसकी फेशियल बोन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि उस बोन्स के अंदर से आरबीसीज बन रहे हैं। ये आई थिंक ज्यादा आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, इसको भी फिलहाल छोड़े। बाकी स्मेयर शोज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज विद टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स वही होते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये टारगेट सेल है जो आपको पता था कि आरबीसी अंदर हीमोग्लोबिन सही नहीं बन रही, तो ये जो प्रेसिपिटेट होगी अभी अल्फा चेन, ठीक है, इसके अंदर, तो ये टारगेट बन गया हुआ है, ठीक है, इसको हम टारगेट सेल आरबीसी कहते हैं, ठीक है, ये भी हमें इसमें मिलेंगे। बाकी एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली उनकी मैच्योरेशन ठीक नहीं हुई। इलेक्ट्रोफोरेसिस शोज HbA2 एंड HbF विद लिटिल और नो HbA। आपके बीटा थैलेसीमिया में माइनर था, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत HbA आ रही थी, इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, इसमें बीटा की एब्सेंट है बिल्कुल, ठीक है, तो उसकी जगह पे HbA2 एंड हीमोग्लोबिन फीटस जो है ये वाली आएगी, ठीक है। ये आई थिंक थैलेसीमिया आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा क्लिनिकल साइड पे चला गया, ठीक है, लेकिन आपको मैंने फिर भी फोकस उसी चीज पे किया जो आपके जो है ना हीम के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका माइक्रोसिटिक एनीमिया आई थिंक एंड हो गया इधर, ठीक है। बाकी जो है इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं।